Hello friends, so now finally people have decided that you have to take commerce. I, Kirti Saxena, welcome you all once again where you people are having a confusion ki kis tarike se commerce ko start karte hain. सबसे बड़ी गलती बेटा हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी हम कोई नया सब्जेक्ट लेते हैं तो एक एक्साइटमेंट होता है, यस आई हैव टेकन कॉमर्स, आई हैव टेकन साइंस, लेकिन पढ़ना कैसे है, किस तरीके से सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट बेसिकली है क्या, व्हाट इज द थिंग दैट आई हैव टू गो फॉर, इज द पार्ट दैट वी मिस मोस्ट ऑफ द टाइम. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा लगता है कि बस हमने किताब खरीदी और किताब खरीद के नाउ लेट्स गो, right? No, this is not the way. Until and unless I know ki with whom I am going to make the friendship, I cannot be a master in that. किसी से भी दोस्ती करने के लिए उसको जानना, उसको पहचानना, उसके बारे में उसके साथ कुछ समय बिताना बहुत जरूरी होता है. अधिकतर बच्चों को ऐसा लगता है कि now my coaching classes have started and now accounts का ये first chapter, ये no. अब हम लोगों को यहाँ पे आज के मॉड्यूल में ये सीखना है कि फाइनली हाउ टू बिगिन विद कॉमर्स. क्योंकि कॉमर्स क्या है ये आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, जिनको नहीं पता है वो लोग एक बार फिर सुने कि व्हेन वी आर देयर इन द मार्केट वी क्रिएट, वी डेवलप एंड वी ग्रो द इकोनॉमी. आज मेरे हाथ में है, कल यही स्ट्रिंग आपके हाथ में है. आप में से कई लोग जो इस मॉड्यूल को देख रहे हैं, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, somebody will be a very good lawyer, somebody can be the सुप्रीम कोर्ट जज, somebody can be whatever you want to, but it should have a perfect beginning. I know nothing is perfect in this life, लेकिन yes, if we make a start, we can make the things very perfect, we can make the things good. तो चलो आज की अपन ड्राइव शुरू करते हैं कि ये कॉमर्स बला क्या है, क्यों लोग इसको ऐसा बोलते हैं, व्हाई पीपल आर क्रेजी लाइक एनीथिंग. माय डियर, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट पीपल आर गेटिंग डैम क्रेजी अबाउट द कॉमर्स, बिकॉज व्हेन वी वर्क द इकोनॉमी वर्क्स, राइट. तो 11, 12 में ही इस बेसिक को अगर हम लोग ये समझ लें यहाँ पे कि क्या ये चीज है तो आसानी बहुत ज्यादा होती है. इसीलिए डायरेक्ट सिलेबस पे आने के पहले टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट व्हाट कॉमर्स एग्जैक्टली इज, इसमें मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. माय डियर, द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड सो एज यू पीपल ऑल्सो हैव टू चेंज. पता है अभी तक हम लोगों की ट्रेडिशनल आदत है बैग उठाना, सुबह उठ के 7:30 बजे क्लास में जाना, फिर क्लास में जाके पढ़ाई करना, टीचर्स एंड ऑल दैट, फिर घर आना, कोचिंग रश करना. बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, वी आर गोइंग ग्लोबल, वी आर गोइंग डिजिटल, और डिजिटली पढ़ना इज नॉट एन इजी टास्क. यू हैव टू परफेक्ट, यू हैव टू इम्प्रोवाइज योरसेल्फ कि किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी करना है. क्योंकि ऑनलाइन स्टडी करने में सबसे बड़ी चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है, योर लॉन्ग आर सिटिंग एंड योर आई साइट, दीज आर द टू थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी अफेक्टेड व्हेन यू विल बी हैविंग अ लॉन्ग आर स्टडी एंड दैट टू आइडल. अभी तक तो क्या हो रहा था, आप जैसे मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में, टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में, बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, थोड़ी देर का ब्रेक होता है, बट नाउ यू आर देयर एट योर लैपटॉप से, राइट. तो ऑनलाइन स्टडी करने के लिए भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट नहीं रखना, ये सारी चीजें भी बिगिन करने के लिए बहुत जरूरी है. तो इसके पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं कि अकाउंट्स का चैप्टर वन ये है, बिजनेस का ये है, आज सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगी कि कॉमर्स होता क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और ऑनलाइन रहते हुए भी आप अपने स्कोर को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं विदाउट गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट एंड विदाउट टेकिंग एनी पर्टिकुलर थिंग in a level that is going to be you can say very stressful or something like you are not enjoying. Just take a cup of tea with you, just take a pinch of snacks if you are going to munch, put on your earphones, use laptops so that you are making a good difference, a good distance you are maintaining between your eyesight and yourself so that you can study for a longer period of time. So, let us begin with the journey. E-commerce में हम लोगों को finally करना क्या है? When we are going to begin with e-commerce, here, this year, you are going to study three subjects.
जब हम कॉमर्स को पढ़ते हैं तो कॉमर्स में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, कॉमर्स में बेसिकली हमारे पास थ्री सब्जेक्ट्स हैं, थ्री सब्जेक्ट्स के साथ हमारे पास यहाँ पे वन लैंग्वेज है और एक लैंग्वेज के साथ हमारे पास यहाँ पे एक एडिशनल है, ये आप लोगों का सब्जेक्ट होता है। दिस इज हाउ यू पीपल आर गोइंग टू स्टडी फाइव थिंग्स, फाइव सब्जेक्ट, थ्री सब्जेक्ट्स, वन लैंग्वेज एंड वन एडिशनल, because this edition can be language, either you can select for IT, either you can go for Hindi, either you can go for any of the thing that you people feel comfortable. तो ये चीजें आप लोगों को commerce में पढ़नी होती है, तीन subject है, एक language है, which are these three subjects, these three subjects are going to be the basics of your career. जब अपन बेसिक से हमें करियर का लेंगे तो वी हैव टू फोकस ऑन दीज थ्री सब्जेक्ट, दीज थ्री सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू फोकस ऑन और गोइंग टू बी द बेस फॉर योर करियर। अधिकतर करके बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ज्यादा फोकस अपने एडिशनल पर रखते हैं, मैम मेरे को मैथ्स लेना चाहिए, पी लेना चाहिए, हिंदी लेना है, या मुझे क्या लेना है, राइट, बट माई डियर द प्रोसेसेस आर मेन फोकस आर दीज थ्री सब्जेक्ट्स, ये तीन सब्जेक्ट आगे आपका करियर डिटरमाइन करेंगे एंड योर एडिशन इज देयर टू गिव यू अ पुश इनटू योर रिजल्ट। मैं धीरे धीरे आऊंगी इस पे कि एडिशन का सिलेक्शन आपको कैसे करना है। द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट यू हैव टू स्टडी इज टर्म्ड एज बिजनेस स्टडीज, ये आपके लिए पहला सब्जेक्ट होता है विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड, दैट इज बिजनेस स्टडीज। व्हाट बिजनेस एग्जैक्टली इज the state of being busy. Right now, I'm doing business. You are watching this lecture, you are doing a business. Why? Because you are busy and I am busy. So the state of being busy is business, right? So ye first subject aap logo ka hai, jiska naam hai business studies. The second subject, jab hum business ko perform karte hain, to everybody of us know that business works on money. राइट, जहां पे भी मनी की बात आती है उसका कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अनकंट्रोल्ड मनी कैन टेक यू एनीवेयर। एक अच्छा बिजनेसमैन एक रुपए को एक करोड़ में बदल सकता है, और अगर वही चीज आपने सिस्टमैटिकली नहीं करी है तो एक करोड़ को एक पैसे में बदलने में भी देर नहीं लगेगी। सो व्हेन यू विल बी स्टडिंग बिजनेस स्टडीज वी विल टेल यू अबाउट व्हाट द बिजनेस एग्जैक्टली इज, लोकैलिटी में कितने तरीके के बिजनेस होते हैं, ये मार्केट की इंडस्ट्री इज अ बिजनेस, दिस व्हाइट बोर्ड इज अ बिजनेस, दिस डिजिटल मीडिया इज अ बिजनेस, एंड नाउअडेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मास्क, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सैनिटाइजर इज अ बिजनेस। हाउ डज दिस वर्क, हाउ डज इकोनॉमी रेगुलेट्स ऑन दिस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आर देयर, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टर्म दैट इज बिजनेस स्टडीज। दिस बुक इज अ थ्योरेटिकल बुक, theoretical book in the sense that you will not be having any numerical part in this particular subject and you have to master yourself in writing. Second subject, क्योंकि business में मैंने क्या लगाया, business में मैंने लगा दिया money. जब मैं money यहाँ पे लगा रही हूँ तो उस money को मुझे करना है control. तो उस मनी को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, किन बेसिस पे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सेस करते हैं, दैट विल बी टॉक टू यू इन द सेकेंड सब्जेक्ट विच इज टर्म्ड एज अकाउंटेंसी। दिस इज गोइंग टू बी योर सेकेंड मेजर सब्जेक्ट व्हेन यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर कॉमर्स। फर्स्ट विल बी द बिजनेस स्टडीज एंड देन सेकेंड विल बी द अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है उस पैसे को मुझे कैसे मैनेज करना है, हम आपको ये सिखाएंगे। जैसे सपोज करें कि अपन ने 50 लाख रुपए लगाए और 50 लाख रुपए लगाकर इन्वेस्टमेंट करके हमने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमें उस पूरे 50 लाख का हिसाब रखना है भाई, बट ऑब्वियसली बात है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम एक पैसा नहीं छोड़ सकते। अगर एक पैसे की रिकॉर्डिंग हमने छोड़ दी, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ ह्यूज लॉस। तो हाउ डू आई मैनेज मनी विल बी टॉक टू यू इन द सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेंसी। देन बिजनेस को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, फ्यूचर प्लान्स बनाने के लिए, जैसे कितनी आसानी से एडवर्टाइजमेंट बदल रहे, अगर आप अभी अपने टीवी चैनल ऑन करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कितनी आसानी से डिटॉल का एडवर्टाइजमेंट has converted itself not to use only Dettol, whatever soap you use, wash your hands. Fantastic concept, policy.
ब्रांड अपना है लेकिन नाम लिए बिना वी आर प्रमोटिंग द सोशल मैसेज. द पीपल हैव स्टार्टेड इंक्लूडिंग स्टे होम स्टे सेफ ऑल द टीवी चैनल्स ऑल द थिंग्स दैट आर देयर. व्हाई? Because they are making their policies, they have to stand in the market for a longer period of time. How do these policies are being framed? How do I identify my customer? How do I satisfy the need of my customer? Will be taught to you in the third subject that is called as economics. ये इन तीन subject का base है. मेजर फोकस आप लोगों को रखना है इन तीन सब्जेक्ट पे, दैट इज बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स. राइट? यहाँ पे हमने क्या किया, बिजनेस स्टडीज में हम पढ़ेंगे बिजनेस क्या होता है, कैसे परफॉर्म कराया जाता है, अगर मुझे कोई अपना नया बिजनेस डालना है तो मुझे क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, कितने टाइप के बिजनेसेस मार्केट में होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, लोकल, ग्रेट, एंड हाउ डिड बिजनेस केम इन टू बींग. ये ट्रेड पे ही सब कुछ क्यों है. वो कहते हैं कि जिससे पैसों का संबंध है आप उसे झगड़ा नहीं करेंगे कभी. ट्रेड ब्रिंग्स पीस इन द इकोनॉमी. इफ यू आर इन ट्रेड रिलेशंस विद अ कंट्री यू कैन नॉट थिंक ऑफ अ वॉर. गेटिंग द इंपॉर्टेंस. इतना मजेदार चीज है और उसके बाद उसको मैनेज करना, किससे लेना है, किसको देना है, हाउ द थिंग्स आर बीइंग डिसाइडेड, एमआरपी डिटरमाइन करना, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू स्टडी इन अकाउंटेंसी एंड देन इकोनॉमिक्स, हाउ द पॉलिसीज आर बीइंग फ्रेम्ड. क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने पिछले डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करेगा. ऑल दीज थिंग्स यू विल बी स्टडीइंग इन दिस सब्जेक्ट कॉल्ड एज economics. Then the language that you people have to study is English. No issue, my dear. This language has to be mastered enough. You have to make yourself master in the use of this language, English, because after 12th, you people will be going for the colleges where you have to introduce yourself, where your personality will matter, right? In sab cheezon ke liye, language is what that counts. You know Hindi, but you don't know what should the Hindi language is. You know English, but you cannot speak it fluently. See, my dear, studying in an English medium school doesn't make you expert in speaking English. For this, you have to practice. And this is what is your fourth particular part that you have to study in commerce. Day one se aadat daalo, newspaper mein pura newspaper scan nahi karna hai. But headlines padni hai. Why? Because your vocabulary, your use of English is going to help you in these two subjects. Here, to some of the other ways, आप numerical से बच जाओगे. But ये theoretical है, answers है. ये expert नहीं है, तो ये नहीं आएगा. ये expert नहीं है, तो ये नहीं आएगा. तो I cannot keep English as a neglected language. Keep on the queries, dear. अगर अभी भी level में आके ऐसा लगता है, मैडम मुझे spelling बनानी नहीं आती. अरे कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, नहीं आती, नहीं आती. It's okay. Be cool, be calm, don't stress out. अधिकतर करके ऐसा मैंने नोटिस किया है कि 11th में आने के बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर मुझे स्पेलिंग फ्रेम कभी नहीं आ रही, हाउ डू आई टॉक टू माई टीचर. अरे यू आर हियर फॉर दिस ओनली. व्हाई वी आर टीचर्स? बिकॉज यू नीड अस. अगर हमसे भी शर्माओगे, हमसे भी नहीं बोलोगे कि मैडम नहीं आती है इंग्लिश अच्छे से, तो हम हेल्प नहीं कर पाएंगे. सो फॉर दिस you need to be expert in English. Your reading has to be equipped. You have to take care of the things to and fro. Start karo, maza aaye. Ghabrane se, tension lene se ki ma'am mujhe note making nahi aati, grammar aaj tak nahi aaya, kya karunga, kaise karunga. I have to take care of this, right? So English major focus from the day one you have to keep if you need to score 100 on 100. And yes, पॉसिबल है. नए सिरे से शुरुआत करो. आपको क्या लगता है, 9th वॉज डिफिकल्ट, 10th वॉज इजी? नो, या 11th डिफिकल्ट है? दुनिया की सबसे डिफिकल्ट क्लास कौन सी होती है? इट्स नर्सरी. एंड यू पीपल हैव क्रॉस्ड दैट. बच्चा मां की गोदी से उतरता है, गोदी से उतर के नए व्यक्ति के पास जाता है जिस हाथ में कल तक दूध की बोतल और खिलौने थे, आज उसने पेंसिल पकड़ के ए लिखना सीखा है. यू हैव क्रॉस्ड दैट लेवल माय डियर, दैट डिफिकल्ट क्लास ऑफ योर होल लाइफ यू हैव क्लियर.
आपने नर्सरी पास करी है, अब आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे डिफिकल्ट होता है मां की गोदी से उठ के दूसरे दुनिया में जाना, जो आप कर चुके हैं. तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग इशू. इंग्लिश इज नॉट एट ऑल एन इशू. इफ इट इज एन इशू, लेट अस नो, वी विल हेल्प, बिकॉज वी आर हियर टू हेल्प यू. एंड देन व्हेन यू विल बी टॉकिंग अबाउट द एडिशनल सब्जेक्ट, selection of additional subject will not determine your career. A very big myth. अधिकतर लोगों को ये लगता है कि मेरा additional से मेरा career क्या होगा? कुछ नहीं होगा. Career नहीं, 12th का percent पहले, prior things पहले. ये देखो, अगर मैंने additional लिया है, उससे मेरे को 12th में क्या help मिलेगा? What it is going to help in 12th percentage? Because CBSE has introduced this additional subject to make the students score well. अगर आप हिंदी में अच्छे नहीं हैं, आप physical education ले लो, because sports person. अगर आप sports में अच्छे नहीं हैं, आप painting ले लो. आपको computer में interest है, आप IT ले लो. Think about your interest, not about your career, when you are opting for the addition. Because many of the time, 90% of the student when they come for the counseling, what they say, मैं एडिशन क्या ले, इससे हमारा करियर क्या होगा? बेटा करियर ये बनाएगा, करियर ये नहीं बनाएगा, ये हेल्प करेगा. और इसकी हेल्प इतनी हो कि 12th में मुझे 100 on 100 आ जाए, so that this is not going to be a burden. ये तीन मेजर सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ये भी बर्डन ले लिया. Now imagine you are starting four things which are very curious to your mind, and that too this year digital. So don't stress out yourself. Additional का selection करो इस तरीके से जिसमें बहुत आसानी से जिसकी नहीं आ पा रहा. जब उसको पढ़ो तो relief होगे. जैसे अगर आपको हिंदी में interest है तो no need of going for mathematics. यार हिंदी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है. जब कभी पढ़ने का मन नहीं करे, उठाओ ये कविता पढ़ लो. मेरा सुनहरा बचपन, वीरों का कैसा हो बसंत, विल गिव यू एनर्जी. ये होता है एडिशन. फिजिकल एजुकेशन अगर आपने सेलेक्ट किया, एक नई चीज, या बेसिक बास्केटबॉल का ग्राउंड कैसा बनता है, कैसे हम टीम्स को बाय देते हैं, किस तरीके से स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं. इट्स अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट टू नो अबाउट द इंजरीज, टू नो अबाउट द मेटल्स, टू नो अबाउट द साइकोलॉजी. So selection of the additional over here is to be based on the percentage of 12, because the career will be determined on this basis. So whatever your school is offering, maybe they are offering you physical education, maybe they are offering you with the fine arts, maybe they are offering you with Hindi, because every particular school is having variety of the options, variety of the additional affiliation according to them. Maybe they are giving you information practice, maybe they are giving you mathematics. Ma'am, मैंने तो commerce ले लिया, अब अगर मेरा mathematics नहीं है तो जिंदगी खराब है. नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी जिंदगी है. हाँ, आप में से अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही डिटरमाइन कर रखा है कि मुझे 12th के बाद ये ही करना है, जिसके लिए 11th 12th में मैथ्स है, गो फॉर इट. बट अगेन, If you are interested, क्योंकि पहले 12th क्रॉस करनी है, 11th क्रॉस करनी है, वो कॉलेज बाद में मिलेगा, उसके लिए स्ट्रेस आउट करके अपने आप को आप नहीं रह सकते. सो दिस इज हाउ यू पीपल हैव टू सिलेक्ट फॉर कि वॉट इज देयर. तो कॉमर्स में आप क्या पढ़ेंगे? बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मस्ट. सिलेक्शन ऑफ एडिशनल विल डिपेंड ऑन वॉट टेंडेंसी, विल डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट. Just take care ki I have to score well in my 11th and 12th standard. That is why English and addition have to be selected very properly enough. Now, second thing. Sab ho gaya, selection ho gaya, books khareedi, nayi books aati hai, bada maza aata hai. Sabse badi baat ab yahan pe aati hai, madam, padhna kaise hai? Kis tarike se padhna hai? Yani ki second question jo humko dimag mein aata hai, wo hota hai, What is the study material that is, ma'am, I have to make use of? Right? So, study material mein, you have been provided with plenty of things. First, you all have been provided with NCERT books. Focus to beta yehi rakhna hai. Kyunki 12th ka question paper 11th 12th ki taiyari hai. 12th ka question paper banega NCERT mein se.
हाँ, for your knowledge level you can make use of the other things, you can make use of the other good other books and all, but the focus should be on the NCERT books. Then you can refer any author's book. This book can be suggested by your school, can be suggested by your coaching teacher. जैसे कि accountancy में there is T.S. Grewal, there is S.C. Chauhan, there are plenty of books that are available. I.C. Dhingra is there in economics, Sandeep Garg is there in economics, business studies, Poonam Gandhi is there in business studies. ये सब नाम आपको आप पता पड़ेंगे. जो भी है उसके साथ ये book. What these two are the textbooks and not the refreshers. Guide is something else, textbooks is something else. The second thing that you should have after textbook is a selection of a good refresher. उसका नाम है बेटा refresh. जो पढ़ के आपको refresh कर दे, हाँ textbook में ये question का answer मुझे नहीं मिला, refresher में I am finding. Find a refresher that is having a good note of question answers. Question along with an answer. क्योंकि बेटा नॉलेज अपनी जगह ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन तो लिख के ही पास करना है. जब तक एग्जामिनेशन लिख के पास नहीं करोगे तब तक आप इसके आगे मास्टर नहीं हो सकते. तो देयर इज अ नीड ऑफ अ गुड रिफ्रेशर दैट विल बी देयर विद द क्वेश्चन आंसर. हम कोई भी रिफ्रेशर सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बच्चे पे डिपेंड करता है. जब आप टीचर से गाइडेंस लेते हैं तो एनी रिफ्रेशर यू कैन सिलेक्ट विच इज गुड फॉर यू. द लैंग्वेज मैटर्स, राइट? प्लेंटी ऑफ बुक्स आर देयर, सो फ्रॉम दैट वी हैव टू मेक अ गुड सिलेक्शन की ये रिफ्रेशर. माइंडेड रिफ्रेश, नॉट स्ट्रेस. टेक्स्ट बुक में सब कुछ मटेरियल बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, रिफ्रेशर में वो भी चीज कंसाइज है, राइट? एंड द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? फिर इसके बाद यू हैव टू टेक केयर ऑफ द नोट्स. द नोट्स हैव टू बी इन द टू मॉड्यूल्स. सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे. यहां मन नहीं चलेगा बेटा. मन क्या है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. जो मन से हार गया वो सब कुछ हार गया, और जो मन से जीत गया वो सब कुछ जीत गया. Remember the quote said by a very famous personality, you are the master of your fate, you are the captain of your soul. मैं हूं जो डिटरमाइन करेगा कि नोट्स बनाने, nobody can stop me. Put up the question, मैं नोट्स कैसे बनाने? नहीं, मन नहीं हो रहा, मैं आज बनाने का, अरे हाँ ना लेक्चर था, देख लिया, फॉरवर्ड कर दिया, रिवाइंड कर दिया. नो नो नो. मुझे बचपन में सिखाया गया था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. It is. You can score only when you are having self notes prepared with the lecture. जितने module आप देखेंगे अपने portal पे, उस सारे lecture को आप क्या करोगे? साथ में copy बना के आप main main point उसमें लिखते जाओगे. Though I will be providing the PDF notes, no issues about that, but that are not all. क्योंकि वो मैंने बनाए हैं तो वो मुझे याद है. जब आप उन्हें बनाएंगे तो वो आपको याद. चीजों को देख लेना इज नॉट एनफ. रिवाइज करने के लिए यू शुड हैव दी सेल्फ नोट्स, एंड देन यू शुड हैव अ परफेक्ट आंसर राइटिंग स्किल नॉलेज. इस मॉड्यूल के बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल आपके पास आएगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन दी आंसर राइटिंग स्किल, कि हमको आंसर्स कैसे लिखने हैं. If it is a 1 mark answer, how I have to write? If it is a 3 mark answer, how I have to write? If it is a 6 mark, how I have to write? What language should be there in business? What language should be there in economics? Right? तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आप लोगों को करना है. ये माइंडसेट है. तो बिगिन करने के लिए ये जो नोट्स आप बनाएंगे, इस नोट्स के लिए माई डियर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो चुके हो. अगर आप ये मॉड्यूल पूरा देख रहे हो, मतलब आपका डिसीजन है कि आप कॉमर्स ले रहे हो, नाउ यू आर अ मैनेजर. तो क्या जब मेरे को सैलरी मिलेगी मैं तभी एक मैनेजर बनूंगा? नो, आई हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग माय पर्सनालिटी फ्रॉम टुडे. आई हैव टू एक्ट लाइक अ मैनेजर. बॉस ऐसा होना चाहिए कि जब मार्केट में वॉक करो, पीपल शुड गो क्रेजी फॉर यू. यार ये देखो, इसको कहते हैं मैनेजर. ये पर्सनालिटी कब आएगी?
एमबीए क्रॉस करोगे तब, एक अच्छी कुर्सी पे जाके बैठोगे तब, या जब कोई बोलेगा कि तुम्हें लाख सैलरी मिल रही है तब नहीं, अभी। अगर आज टेबल अरेंज करने की आदत नहीं है, आप कल ऑफिस में अपनी टेबल अरेंज नहीं रख सकते। अगर आज किताबें जगह पे रखने की आदत नहीं है, कल आप आपके ऑफिस को मैनेज नहीं रख सकते। डे ड्रीम है, भूल जाओ। योर पेरेंट्स कैन गाइड यू वेल इन दिस वोट। यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। कोई कंजूसी नहीं। यू हैव टू मेक फाइव different copies for the topics you are going to study in 11. Accounts ki alag, business ki alag, khud. Ab iske bhi important cheez batati hu. इमेजिन करो आज मम्मी ने बढ़िया पनीर की सब्जी बनाई है, पनीर की सब्जी के साथ मम्मी ने आपका फेवरेट रायता बनाया है, यू आर हैविंग योर फेवरेट दाल मखनी विद दैट एंड अ गुड नान, और उसके साथ आपके पास आपके फेवरेट पिकल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। मम्मा हैज कुक्ड टुडे अ वेल ग्राउंडेड लंच, राइट। और जब आपके पास थाली आती है, रोटी चूरी हुई है, उसी के ऊपर पनीर डलाया, उसी के ऊपर चटनी डाल दी, उसी के ऊपर पिकल डाल दिया, और प्लेट मैंने सर्व कर दी, ये बेटा खा लो। That good looking food, that good tasty food, damn, आप उस थाली को हाथ लगाओगे? नहीं। तो जब accounts, eco, business सब एक में लिख लिया है, तो बेटा आखिरी में दिमाग पड़ेगा कहां से? Accounts separate, जब थाली सजी हुई होती है, खाना खाने में फ्लेवर मजा आता है। वो फ्लेवर कौन लाएगा? मैं लाऊंगी, मम्मी पापा लाएंगे, आप खुद लाएंगे। Make your plates the beautiful. मराठी थाली इमेजेस देखो, मराठी थाली का डेकोरेशन, बंगाली थाली का डेकोरेशन, मेस्मराइजिंग। वो पिज्जा का वो जो स्लाइस होता है, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन माय डियर, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन यू हैव टू डू इट फ्रॉम डे वन। ये सब एक बार सिलेबस शुरू हो जाएगा, उसके बाद बार बार हम रिपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर टाइम नहीं होता। यू हैव टू मेक फाइव डिफरेंट कॉपीज ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स सो दैट यू आर प्रिपेयर कि हाँ, अब मेरा ये अकाउंट्स है, सब एक में लिखा है, आखिरी दिन उठा के पढ़ लो। यू विल बी वेरी क्लियर इन ऑल द थिंग्स दैट यू आर हैविंग। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद योर स्टडी, व्हेन यू आर बिगिनिंग विद अ न्यू सब्जेक्ट। पैशन तो है, ड्रीम्स है, अचीव कैसे करना है? अचीव ऐसे करना है, चीजों का क्लैरिटी रखना है। पढ़ना क्या है? द थर्ड पार्ट ऑफ टुडेज मॉड्यूल, कि मैम ये सारी जो चीजें हैं इनमें से मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कैसे एक्सेस किया जाएगा, मेरा पेपर पैटर्न क्या होगा। आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी चिंता आपकी सीबीएसई कर रहा है, उसने अपनी वेबसाइट पे क्यूरिकुलम डाला है जो आपको आपके पोर्टल पे मिल जाएगा। जब आप kirtistudycenter.com पे जाएंगे, kirtistudycenter.com पे जाके अदर्स में जाके जब आप वहां देखेंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा सिलेबस, उस सिलेबस में से आप अपने 11th का सिलेबस डाउनलोड। आपको सीबीएसई तक भी जाने की इतनी दूर जरूरत नहीं है। द डायरेक्ट लिंक इज प्रोवाइडेड देयर, सीधा सीधा पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। दिस क्यूरिकुलम, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है सिलेबस। अ गुड नोट्स टू द पेरेंट्स ओवर हियर, सिलेबस कंप्लीशन एंड टू स्टडी व्हाट इज देयर इन द सिलेबस विल मेक यू टू स्कोर 90% एंड 90 अबव। यू डोंट हैव टू रश आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग, you have to rush after the syllabus and the syllabus is being defined by CBSE 1 year prior. मतलब जब बच्चे का सेशन शुरू होता है उसके पहले रहता है, डाउनलोड अ कॉपी ऑफ द सिलेबस एंड अकॉर्डिंगली द टॉपिक्स विल बी कंप्लीटेड। दिस इज हाउ एनीथिंग हैज टू बी स्टार्ट। प्रिपेयर वेल। पांचों सब्जेक्ट को टाइम डेली देना पड़ेगा, आपके पास इसके लिए कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं। और अब तो आप लोग अपनी मर्जी के मालिक होने वाले हैं क्योंकि स्कूल के टीचर भी ऑनलाइन है, कोचिंग टीचर भी ऑनलाइन है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट चॉइस। चेंज इज द ओनली एस्पेक्ट दैट इज परमानेंट। ढिलाई में लोगे, हाँ मॉड्यूल अपडेट हो गया, चल रहे यार कल देखते हैं, अभी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नो यू डू नॉट हैव टू डू दैट। यू हैव टू बी एनर्जेटिक। मॉड्यूल है आज कंप्लीट करना है, अभी करना है, यस आई कैन एंड आई विल। Nobody in this world can stop me. Maybe digital, मेरा करियर मेरा है, मेरी लद्दाख की ट्रिप मेरी है, वर्ल्ड टूर मेरा अपना है। वर्ल्ड का मैप लगाओ दीवार पे, मार्क करो ये प्लेसेस इतनी एज में घूमनी है, और डेली दरवाजा खोलो वो मैप दिखेगा सामने, और अर्जेंटीना जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, पैसा है जेब में नहीं है, क्यों नहीं है, पढ़ाई नहीं। अपने आप बूस्टिंग आएगी पढ़ने की।
अपने ड्रीम्स को लिखो, अगर आपको बैंकर बनना है दरवाजे पे लिख दो वेलकम टू द रूम ऑफ बैंकर, यू आर एंटरिंग इनटू अ बैंक ऑफिसर्स केबिन. माय गॉड, द डे यू विल ओपन योर डोर यू विल फील पैशनेट अबाउट. इट्स अबाउट पैशन, इट इज अबाउट जुनून. And that June, when you are having, I am having, your parents are having, the world is yours and the sky is yours. I hope ये module आप लोगों को समझ में आया है. And with this module now you are being prepared with कि commerce को किस तरीके से पढ़ा जाता है. For any queries, for any doubts, you are having the comment section given below. You can put up your doubts, ask lot many questions. बेटा hesitation नहीं, हम commercials हैं, हम चुप रहेंगे तो दुनिया चुप हो जाएगी. We have to speak our doubts, our queries, not even a single doubt should be remained untouched. Weather is also changing outside, kuch tufaan hai, kuch hai, padhai ke liye koi rok tok nahi hai, there is no wings. I will end my today's lecture with a small story. Swami Ramakrishna Paramhans ki ek shishya thi, jo padhne mein bahut interested thi, bahut intellectual aur bahut pyari bachi thi wo, aur usko bahut maza aata tha padhne mein, right? पर उसको बाहर जाके पढ़ना था. उसकी ऐसी इच्छा थी कि मैं बाहर जाऊंगी, मैं तभी पढ़ सकती हूँ. मतलब उसके दिमाग में ऐसा था कि अगर मैं अपनी सिटी में हूँ, सपोज कर ले हम अगर अपने लिए बोले कि अगर मैं उज्जैन में हूँ तो ही मैं पढ़ सकता हूँ, वरना नहीं पढ़ सकता. मैं बाहर जाऊंगा तो ही पढ़ूंगा, और इसमें पढ़ाई नहीं हो सकती. अब उसके मदर फादर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, राइट? तो उसके मदर फादर उसको मना कर देते हैं, तो वो बच्ची थोड़ी डिप्रेस हो जाती है, कमरे में अपने आप को बंद कर देती है. ही वॉज अ रेगुलर विजिटर टू रामकृष्ण परमहंस. तो रामकृष्ण परमहंस एक सोचते हैं, व्हाई शी इज नॉट कमिंग, बिकॉज़ शी वाज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड. तो जब वो नहीं आती है तो रामकृष्ण परमहंस उनके घर जाते हैं और उनसे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा मम्मी मुझे बाहर पढ़ने नहीं जाने दे रहे, ये लोग चाहते ही नहीं है कि मेरा करियर बने, ये लोग चाहते ही नहीं है कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं, तो मैं क्या करूं, इसलिए मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता. रामकृष्ण परमहंस ने उनसे एक छोटी सी बात कही, बेटा बेड़िया तेरे पैरों में है, तेरी सोच में. सोच को फैलाने के लिए शब्द, शब्द को लिखने के लिए कलम, और कलम से लिखी हुई चीजें बनती हैं इतिहास. एंड दैट्स वेयर द लाइफ ऑफ दैट गर्ल चेंज्ड. आई होप यू पीपल आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. नथिंग कैन स्टॉप यू. बाय द टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच एवरीवन.